सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तुम प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मन सगली खोवे, पेटत संग साध संतन के, सदा जप्यो दयाला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि संसार में सुख भी हैं और दुख भी हैं, परंतु जो गुरुमुख है वो इन सुखों और दुखों से ऊंचा उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है और परमा आनंद की प्राप्ति कर लेता है। भगत, गुरुमुख, गुरसिख भक्ति करके, नाम जप कर, गुरु को ध्यान कर परमानंद की प्राप्ति करते हैं। परम आनंद, परमात्मा का दिया हुआ आनंद, वो आनंद जिस आनंद के मिलने के बाद फिर दुख और सुख पीछे रह जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर कितना भी दुख आए, रोग आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, सुख भी भले कितना भी हो, धन पदार्थ आ जाए, महल मारिया मिल जाए, सभी दुनियावी सुख मिल जाए, परंतु फिर वो भगत, गुरसिख, गुरमुख खुशी में उछलता नहीं और दुख में डोलता नहीं। ऐसी अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु जो व्यक्ति अमृत वेला संभालता है, प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, आठों पहर प्रभु को जाता है, तो उसकी ये अवस्था सहज ही बन जाती है। यदि मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो ये प्राप्ति बहुत जल्द हो जाती है। गुरु आप कृपा करते हैं, रहमतें करते हैं, बख्शिशें कर देते हैं, फिर वो भगत, गुरुमुख परमानंद में झूमता है, भक्ति करके औरों को भी प्रेरित करता है, खुद तो जुड़ता ही है प्रभु के साथ, औरों को भी जोड़ता है। परंतु ऐसे भी कई लोग देखे हैं संसार में जो आज संस्थान खुल कर बैठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे आप तो जुड़े नहीं, अंदर उनकी कपट है, वे कपटी हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म को मनुष्य से दूर करके अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनका सारा धन, जिंदगी भी फिर उनकी हो जाती है, उन संस्थान वालों की हो जाती है, वे उनके गुलाम बन के रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए। हमें ऐसे लोगों से बचना है और सच्चे गुरु के लिए डरना है। गुरु साहब जी ने हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की लड़ लगाया है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ,
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी से बढ़कर इस सृष्टि में और कोई नहीं है। वे ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, सृष्टि के मालिक हैं, तारणहार हैं। यदि इस तारणहार को छोड़कर हम संस्थानों में भटकेंगे तो फिर हमारी बर्बादी तो निश्चित है। ऐसे लोगों से बचना है हमें, दूर रहना है। कहते हैं संसार में हर किसी के जीवन में रोग आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, परंतु वो मनुष्य उस पीड़ा से कैसे उभरता है, कैसे रोगों से दूर हो जाता है, वो उस रोगी के हाथ में भी है, उसके कर्मों पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को रोग आता है तो ऐसा भी देखा गया है कि वो प्रभु को ही उल्लंघन देता है, उल्टा सीधा कह देता है, फिर तांत्रिकों के पास जाता है, अंगूठियां बनवाता है, ना जाने कौन से अडंबर करता है। और दूसरी तरफ एक गुरुमुख, गुरु का भगत, प्रभु प्रेमी, वो गुरु के लड़ लगता है और दुखों से, रोगों से, कष्टों से, पीड़ाओं से किस प्रकार दूर हो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार वाणी आती है, दुख दारू सुख रोग पया जासुकता मना होई, तू करता करना मैं नाहीं जाहूं करी ना होई। करना प्रभु ने है और तेरे कर्म उस रोग में रहकर किस प्रकार के हैं उसमें बहुत निर्भर करता है। यदि रोग आने पर मनु दर्द भटकने लगे, यहाँ वहाँ जाकर गुरु को भूलकर जब मनु भटकता है तो और दुख पाता है। दुख दारू, दुख जो है वो दारू के समान है, यानी कि दवाई के समान है। वो किस प्रकार, हम तो दुखों में हार जाते हैं, दुखों से दूर जाना चाहते हैं, परंतु वाणी में ऐसा कहा है गुरु नानक देव जी महाराज जी यहाँ फरमा रहे हैं आसाराग में कि दुख दारू, दुख दारू कैसे हो गया। दारू यानी कि दवाई, जैसे हम कहते हैं ना दवा दारू, किसी को रोग आ जाता है तो मनु कहता है कि भाई ठीक से दवा दारू कर रहे हो या नहीं, लापरवाही तो नहीं कर रहे, तुम्हारे दुख कट नहीं रहे, रोग दूर नहीं हो रहे, अच्छी तरह से सही ढंग से दवा दारू करो। हम कहते हैं ना दुख दारू, गुरु साहब जी कहते हैं दुख दारू, दुख जो है वो दारू के समान है, दवाई के समान है। वो कैसे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मनुष्य के जीवन में जब दुख आते हैं तो वो और सेवन करता है, और ज़्यादा प्रभु के साथ जुड़ता है, और ज़्यादा बंदगी करता है, और ज़्यादा सेवा करता है। तो दुख तो भाई दवाई के समान हुए, अच्छी बात है दुख आए तो, परंतु गुरुमुखों के जीवन में दुख आते हैं तो दवाई का काम करते हैं, क्योंकि वो गुरुमुख और नाम जपता है, बंदगी में जुड़ जाता है, सेवा में जुड़ जाता है। और वही मनमुख जब उसे दुख आते हैं, रोग आते हैं, तब वो गलत जगहों पर जाता है, तावीज़ें पहनता है, पीरों के कपड़ों में जाता है, जिसके कारण उसे आगे चलकर और दुख झेलना पड़ता है। आगे गुरु साहब जी कहते हैं सुख रोग पया, दुख दारू सुख रोग पया, दुख तो दारू है और सुख जो है वो रोगों के समान है, दुखों के समान है। क्योंकि अक्सर ही संसार में देखा गया है कि सुखों में इंसान प्रभु को भूल जाता है, विसर जाता है,
दूर हो जाता है, सुखों में ही इतना ग्रसित हो जाता है, सुख भोगने में वो प्रभु को भूल जाता है, जिसके कारण से आगे चलकर और दुख मिलते हैं, सुख दूर हो जाते हैं। हमें तो प्रभु की बंदगी में जुड़ना है, जैसा भी समय आए जीवन में, सुख आए दुख आए, गुरुओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो दुख में भी भक्ति में लीन रहता है, सुख में उछलता नहीं, नाम वाले के साथ जुड़ता है, अमृत वेले संभालता है, सेवा में जुड़ता है। ऐसे गुरुओं का ही पाल उतारा होता है, भव सागर से पार लग जाता है वो मनुष्य। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं भाई महंगा जी की, उनके जीवन में भी रोग आए दुख आए। कहते हैं हमारे जीवन में हम किसका संग करते हैं, किसके साथ बैठते उठते हैं, वो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देता है। जिस प्रकार हम किसी गलत व्यक्ति के साथ उठना बैठना हमारा हो, वो व्यक्ति शराब पीता हो, दारू पीता हो, मदिरा का सेवन करता हो, सिगरेट पीता हो, झूठ बोलता हो, कपटी हो, गलत जगहों पर जाता हो, तो उसकी जो बुरे कर्म होते हैं, उसके बुरे संस्कार हमारे अंदर भी आ जाते हैं। एक दिन फिर ऐसा आता है कि हम भी गलत चीज़ों को सही ठहराते हैं, सोचते हैं कि सही दुनिया करती है, क्या फर्क पड़ता है। भले ही मनुष्य करे ना करे गलत काम, परंतु उस गलत काम को भी हम सही ठहराते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो जाता है। और यदि हमारा उठना बैठना हमारी संगत किसी गुरु के साथ हो, अच्छे व्यक्ति के साथ हो, भले मनुष्य के साथ हो, गुरसिख के साथ हो, तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे विचार ऊंचे हो जाते हैं, हमारे संस्कार अच्छे हो जाते हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे हमारे संस्कार हो जाते हैं। तो हमें जो संगत करनी है बहुत सोच समझ के करनी है, ताकि हमारा जीवन उसी प्रकार का बन जाने वाला है जिस प्रकार की हम संगत करने वाले हैं। कहते हैं भाई महंगा जी ने संगत की, जब उन्हें बहुत रोग आए, कष्ट आए, पीड़ा आई। कहते भाई महंगा जी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, बीमारी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि कहते हैं उनका बचना भी बहुत मुश्किल था, पीड़ाओं का वो सामना कर रहे थे, दुखों में वो ग्रसित थे। कहते हैं उनकी संगत एक भले मनुष्य हो गई, जिस अच्छे मनुष्य ने उनको एक सही राह बताई, कहा तीसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में जाओ, गोविंदवाल साहब में जाकर सेवा करो, तुम्हारे दुख रोग कष्ट गुरु अपने आप दूर करेंगे, आपका जीवन सफल होगा, जाकर बंदगी करो, सेवा में जुड़ो। धन भाग थे भाई महंगा जी के, जिनको अच्छी संगत मिल गई, जिस गुरसिख ने उन्हें अच्छी राह बता दी, गुरु के साथ जोड़ लिया। अब कहते हैं भाई महंगा जी गोविंदवाल से पहुँचे, रोगी थे, परंतु फिर भी उन्होंने
गुरु घर की सेवा निभाई, टप्पर झाड़ते, झूठे बर्तन मांजते, अच्छे बोल बोलते, गुरु घर में झाड़ू लगाते, सेवा बंदगी में जुड़ते, अमर थैला संभालते, ये अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। हर पल गुरु को ध्याते, नाम जपते, सेवा में जुड़ते। कहते हैं जब गुरु सर जी की कृपा होने वाली होती है, समा आने पर भाई महंगा जी पर गुरु साहब जी की कृपा हुई, गुरु साहब जी की मेहरबानी दृष्टि भाई महंगा जी पर पड़ गई। गुरु साहब जी ने खुश होकर कहा, भाई मांगो, क्या मांगते हो? मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत दिल लगा के सेवा करते हैं। भाई महंगा जी ने कहा कि हे सच्चे बादशाह, मुझे बस अपनी सिक्खी बख्शो, सिक्खी की दात बख्शो, मैं आपके चरणों में जुड़ा रहा हूँ, इतनी कृपा करें। गुरु साहब जी का आशीर्वाद लेकर जब उसने और दिल लगाकर सेवा की, बंदगी में जुड़ गया, भक्ति करने लगा, तो कहते हैं धीरे धीरे करके उसके सारे तन के रोग दूर हो गए, यहाँ तक कि मन के रोग भी दूर हो गए, सारे भ्रम दूर हो गए। अब गुरु ही सब कुछ है, ऐसा भाई महंगा जी मानने लगे। गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में वो सेवा करने लगे और भक्ति में जुड़ने लगे। गुरु साहब जी ने एक दिन वचन किया उनसे कि लंगर में जो भी खाना बचता है, लंगर बचता है, भोजन बच जाता है, आप जाकर गरीबों को बांट आया करें, और यदि ज्यादा बच जाए तो नदी में डाल आया करें, मछलियां खा लिया करेंगी, जानवरों को डाल दिया करें उस भोजन को, ताकि उनका पेट भी भर जाए। और कहते हैं गुरु के वचनों के अनुसार भाई महंगा जी लंगरों की सेवा करने लगे। लंगर बच जाता था तो जाकर बाहर गरीबों में, उनके घरों में जाकर बांटकर आते, और लंगर बच जाता तो जानवरों को जाके डालाते, उनकी भूख मिटाते, कुत्तों को रोटी खिलाते, प्रसाद छकाते, मछलियों को नदी में जाकर प्रसाद डालकर आते। ये सेवा बहुत ही प्रेम के साथ निभा रहे थे भाई महंगा जी। अब कहते हैं बहुत ही प्रेम से सेवा करते, हर पल बंदगी किया करते, नाम सिमरन के साथ जुड़ते, हर पल गुरु को ध्याते थे भाई महंगा जी। अब कहते हैं लंगर की सेवा करते करते एक दिन ऐसा आया कि हाथ में लंगर था और भाई महंगा जी लंगर बांटने के लिए निकले, तो कहते हैं रास्ते में एक सुनसान जगह पर चार चोर उन्हें मिल गए। उनके लिए तो हर कोई एक बराबर था, भले गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सभी गुरु के बंदे थे। भाई महंगा जी ने उन चारों व्यक्तियों से कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? दरअसल वो चारों चोर गोविंदवाल साहब में गुरु घर में चोरी करने जा रहे थे और मिल गए भाई महंगा जी को रास्ते में। कहते हैं भाई महंगा जी ने कहा कि लगता है आप बहुत दूर से आए हैं, आपको भूख लगी होगी, ये गुरु घर का लंगर है। बहुत ही प्रेम के साथ, सत्कार के साथ
भाई महंगा जी ने उन चारों को ही लंगर छकाया, इतने प्रेम के साथ छकाया, इतनी मीठी मीठी बातें की, गुरु साहब जी के बारे में बताया। अब इन चोरों को लगा कि भाई इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, कहीं हमें जानता तो नहीं, हमें फंसा तो नहीं रहा, हमें गुमराह तो नहीं कर रहा, क्योंकि भाई ये संसार ऐसा है कि जिसके साथ हम मीठा बोल दें तो वो भी ऐसा सोचता है कि भाई इस बंदे को हमसे कुछ चाहिए ही होगा, या तो फिर ये बंदा हमें धोखा दे सकता है। ना जाने इस बंदे के मन में क्या विचार चल रहे हैं जो इतना मीठा बोल रहा है। आजकल तो हम आम संसार में देखते हैं कि मीठा बोलना ही लोगों ने बंद कर दिया है, हर कोई कड़वा बोल रहा है, कठोरता से बात करता है। ये दुनिया ही ऐसी हो गई है, जब हम किसी से प्यार भरा व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो सामने वाला सोचता है ज़रूर इसके मन में कुछ चल रहा है, तभी इतने प्यार से बात करता है, ज़रूर इसको हमसे कुछ चाहिए, या फिर ज़रूर ये आगे चलकर हमें धोखा देने वाला है। ये हमारी मनोवृत्ति बन गई है, हमारी सोच ही ऐसी हो गई है आज। और सच कुछ पूछो तो जमाना भी ऐसा हो गया है कि हर कोई पीछे से वार कर देता है, कब पीठ पे छुरा घोंप देता है पता ही नहीं चलता। तो आज हम संसार में देखते हैं कि हर कोई हर किसी से बचकर रहता है, सोच समझ के व्यवहार करता है, और जो मीठा बोलते हैं उसे तो और बचकर रहता है कि कहीं धोखा ना दे दें। और कहते हैं ऐसा कुछ हुआ चोरों के साथ, चारों चोरों के मन में ये विचार चलने लगे कि ये बंदा हमें जानता तो नहीं, हमें धोखा तो नहीं दे रहा, उल्लू तो नहीं बना रहा, हमें मीठी मीठी बातें करके फंसा कर गुरु के हवाले कर देगा, सबको बता देगा कि ये चोर है और हम मर जाएंगे, फिर यहाँ हमें सजाएं भोगनी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा ये है कि इसे ही मार दिया जाए। हम आम संसार में देखते हैं ना कि व्यक्ति जो चोर होता है, चोरी करने जाता है, वो पहले तो ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ पर उन्हें कोई जानता ना हो, और यदि चोरी करते हुए कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल जाता है तो फिर उसका खून भी कर देता है वो चोर, क्योंकि वो व्यक्ति जो उस चोर को जानता है वो आगे चल कर बता सकता है कि भाई उस फलाने बंदे ने चोरी की थी, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ उसे। और जिस व्यक्ति ने देख भी लिया परंतु वो जानता नहीं, उसको पहचानता नहीं है, तो उसे शायद चोर छोड़ भी देते हैं। परंतु जो व्यक्ति उस चोर को जानता है उसे तो फिर किसी भी हाल में चोर बख्शते नहीं। ये हम आम संसार में देखते हैं, चोर उस व्यक्ति को मार देते हैं जो भी व्यक्ति उस चोर को जानता हो। अब कहते हैं ऐसा ही कुछ हुआ उन चोरों के साथ, जब महंगा जी इतना मीठा बोल रहे थे उन चोरों के साथ, गुरु की प्रशंसा कर रहे थे, गुरु की वाणी की जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन चोरों को गुरु के लड़ लगा रहे थे। भाई महंगा जी जानते तो नहीं थे कि वो चोर हैं, उनके लिए तो वो साधारण व्यक्ति थे, क्योंकि एक जो गुरुमुख होता है हर किसी में प्रभु को देखता है, क्योंकि कण कण में परमात्मा आप रंगे हुए हैं, बसे हुए हैं। तो एक गुरुमुख की नज़र में तो हर कोई परमात्मा का रूप है, परंतु ऐसा संसार में देखा गया है कि गुरुमुखों को ऐसे कपटी लोग धोखा दे देते हैं, पीठ पर वार कर देते हैं, फिर गुरु ही गुरुमुख की
रक्षा करते हैं और ऐसे कपटी बंदों को सोध कर सजाएं देते हैं। आप अपने गुस्से की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, उस गुरमुख पर निहाल होते हैं, बख्शिशें करते हैं, उस गुरमुख के काल कंटक दूर कर देते हैं। अब कहते हैं उन चोरों ने मिलकर भाई महंगा जी को पकड़ लिया और जिंदा ही धरती में दफना दिया। कहते हैं अपना भेद बदल कर, बालों को खोल कर, कपट करके तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी की शरण में पहुंच गए गोविंदवाल साहब में। गुरु साहब जी का कहते हैं दरबार सजा हुआ था। दरबार में तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी कथा के साथ, साथियों के साथ संगत को जोड़ रहे थे, गुरसिखों को जोड़ रहे थे। कहते हैं चारों चोर भेद बदल कर, बालों को खोल कर संगत में आके बैठ गए और झूमने लगे। जैसे कि हम आम संसार में देखते हैं किसी को माता आती है, कहीं तो किसी प्रकार के ढोंग भी कर देते हैं, व्यर्थ में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है। खैर वो चारों चोर बालों को खोला हुआ था उन्होंने और झूम रहे थे, सर को हिला रहे थे गोल गोल। कहते हैं गुरु अमरदास साहब महाराज जी की नज़र पड़ी चोरों पर। वे सबको जानते थे कि कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या करके आए हैं। कट कट के अंतर की जानत, पले पुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी से तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। गुरु साहब जी सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की जानते हैं, सबकी मनों की जानते हैं। कहते हैं उन चारों छोरों को गुरु साहब जी ने अपने पास बुलाया और कहा तुम कपटी हो, पहले तो ये बताओ कि तुम भाई महंगा जी को कहाँ दफना के आए हो। कहते हैं सुनकर चोरों के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि गुरु पूर्ण गुरु हैं, आप पिता परमेश्वर का रूप हैं। वे डर गए और कहते हैं डर के मारे गुरु साहब जी की चरण पकड़ ली उन्होंने। गुरु साहब जी आप दौड़ कर गए उस स्थान पर जहाँ पर उन चोरों ने भाई महंगा जी को दफनाया हुआ था। जैसे ही गुरु साहब जी उस स्थान पर पहुँचे, उस धरती में से वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धरती में से वाहेगुरु की सिमरन की आवाजें आ रही थी। फटाफट जल्दी ही गुरु के सिखों ने धरती को फूटा, खोद दिया और अंदर में से भाई महंगा जी को निकाला। भाई महंगा जी धरती के अंदर बेहोश पड़े थे। बाहर निकालने पर उनके मुंह पे पानी की छींटे मारी गई। गुरु साहब जी ने अपनी मेहरबानी नज़र भाई महंगा जी पर डाली और भाई महंगा जी का कहते हैं होश आ गया। होश आने पर भाई महंगा जी ने गुरु साहब जी के चरणों में नमस्कार की, गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए। गुरु साहब जी ने भाई महंगा जी पर बख्शिशें की, रहमतें की और कहा कि भाई महंगा जी आपकी सेवा सफल है। कहते हैं अब महंगा जी को जब होश आया, जब सिखों ने उन्हें बाहर निकाला धरती में से, तो गुरु साहब जी ने उसे पूछा था
कि भाई मैं क्या, गुरु तुम पर खुश है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहते हैं भाई मैगा जी ने गुरु साहब जी के चरणों में हाथ जोड़कर बेनती की कि हे सच्चे बादशाह, मेरे लिए तो सभी मनुख आपके रूप के समान हैं, मैं सब में आप ही को देखता हूँ, मैं नहीं जानता ये कौन है, परंतु इतना जानता हूँ कि सभी आपके बच्चे हैं। तो हे सच्चे बादशाह, यदि आप कुछ देना चाहते ही हैं तो इतनी कृपा कर दें, जो सिखी आपने मुझे बख्शी है वो सिखी इन चारों को बख्श दें, ताकि ये भी आपके नाम सिमरन के साथ जुड़ जाएं, आपकी भक्ति करें, आपकी दर की सेवा करें, इतनी कृपा कर दें। जरा सोचिए, जिन चोरों ने भाई महंगा जी को बेमतलब ही उन्हें जिंदा ही फाड़ दिया था जमीन के अंदर, धरती के अंदर, परंतु भाई महंगा जी का हृदय इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना उज्जवल था कि उन्होंने उन चारों को सजा नहीं दिलवाई। यदि कोई और होता तो कहता कि इन चारों को यहीं पे दफन कर दो, परंतु नहीं, भाई महंगा जी की ऊंची अवस्था थी, उन पर बहुत ही कृपा हो गई थी प्रभु की, गुरु महाराज उन पर दयाल थे, उन्होंने सिक्की कमाई और जांच सिखाई हमें कि सिक्की कमाने कैसी है। आज हम अपने आप को सिख अखलवाते हैं, परंतु हमारे अंदर सिक्की है या नहीं यह हमें आप खुद देखना है। जिस प्रकार वाणी आती है, गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु के नक्शे कदम पर चलते हैं उनकी अवस्था उसी प्रकार की हो जाती है जैसे कि भाई महंगी जी की हो गई थी। जिस प्रकार गुरु के लिए हर मनुख हर जीव जंतु एक समान है, गुरु को किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार जो गुरसिख होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, उनकी अवस्था भी ऊंची हो जाती है। वे सभी में प्रभु को देखते हैं। जिस प्रकार अवस्था थी भाई कन्हैया जी की, वे सभी में गुरु को देखते थे, उसी प्रकार इतनी ऊंची अवस्था हो गई थी भाई महंगा जी की कि वे सभी में प्रभु को ही देखते थे, गुरु को ही देखते थे। भाई महंगा जी की सेवा सफल हुई और आगे चलकर वे भवसागर से पार लग गए, उनका जीवन मरण कट गया, गुरु के चरणों में ही उनका निवास हो गया। ऐसे थे भाई महंगा जी, उनकी सेवा सफल थी, कहाँ वो रोगी थे और गुरु साहब जी के दर पर आकर सेवा करके उन्होंने अपने सारे रोग दूर कर दिए, भक्ति करके, सिमरन करके, सेवा करके उनके रोग दूर हो गए। और आगे चलकर उन्हें प्रभु के चरण मिल गए, चरणों में ही उनका निवास हो गया, उनका उद्धार हो गया। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि यदि हमारे जीवन में भी रोग आ जाएं तो हम डोले नहीं, हम यहाँ वहाँ दर दर भटके नहीं, हम पीरों के पास ना जाएं, कब्रों में ना जाएं, तावीज़ ना पहने, अंगूठियाँ ना पहने, बल्कि प्रभु के साथ जुड़ जाएं, भक्ति में जुड़ें, सेवा में जुड़ें, अमृत वेला संभालें, ताकि हमारे रोग भी दूर हो जाएं, हमारे कष्ट मिट जाएं और गुरु हमारा उद्धार कर दें। और आज मैं आपको रोग दूर करने का उपाय बताता हूँ। अठवीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की बाणी दुख पंजनी साहिब है,
मैं आप सभी से संतों के चरणों में दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी दुख पंजरी साहब की बाणी को ना छोड़ें, दुख पंजरी साहब की बाणी रोज पढ़ें या सुने, जिससे आपकी रोग दो दुख रोग कष्ट पीड़ाएं सभी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। ये बाणी हमें तार देती हैं, हमारे दुखों का निवारण करती हैं। तो जितना हो सके दुख पंजरी साहब जी की बाणी के साथ जुड़े और अपना उद्धार अपने हाथों से खुद करें, गुरु के साथ जुड़ें, गुरु से प्रेम करें, भक्ति में जुड़ें, अमृत विला संभालें, सेवा में जुड़ें। गुरु आप कृपा करते हैं, बख्शिशें करते हैं और हमारे सारे रोग कष्ट पीड़ा सब दूर होकर देते हैं। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि अब पहले तो गुरु के साथ जुड़ें, यहाँ वहाँ ना भटके और दूसरे अच्छी संगत करें। जिस प्रकार भाई महंगा जी ने संगत करके गुरु साहब जी की प्राप्ति कर ली, अपना उद्धार कर दिया, उनका उद्धार हो गया था, उसी प्रकार हम भी अपना उद्धार कर लें गुरु साहब जी के साथ जुड़कर, यहाँ वहाँ ना भटके और सेवा को दिल लगाकर निभाएं, भक्ति में जुड़ें। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी, सत्संग भक्षण योग हो, भुला बख्शो और अशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पा लग जाए, मुझे कभी 84 लाख जीने न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन कट जाए मिट जाए, ऐसी ऐसी बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देह अरोगता रहे, घर में खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, एकता रहे, प्रेम रहे, ऐसी ऐसी बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।